नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में है, लेकिन षड्यंत्रों की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और उनके सहायक सचिव विजय गुप्ता पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। अमेठी की खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखने वाले एक साथी पत्रकार ने द जर्नलिस्ट न्यूज़ को बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर यूपी की सियासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर कांग्रेस द्वारा निशाना लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके निजी सचिव संदीप सिंह के इशारे पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह काम कर रही हैं। इस पूरे खबर पर तथ्यों के साथ आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव समेत तीन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया है। वर्तिका का आरोप है कि केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पूरा मामला MP MLA कोर्ट में फाइल हुआ है। अदालत इस पर 2 जनवरी 2021 को सुनवाई करेगी। प्रतापगढ़ की रहने वाली वर्तिका सिंह का आरोप है कि स्मृति ईरानी की शह पर उनके करीबियों ने उन्हें केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने का ऑफर दिया था। पहले बड़ी बड़ी बातें कर अंतर्राष्ट्रीय शूटर को गुमराह किया गया, फिर पद पर बैठाने का 1 करोड़ रुपए रेट बताया गया। इसके बाद अच्छी प्रोफाइल होने की बात कहकर वर्तिका से 25 लाख रुपए की डिमांड हुई थी। दरअसल द जर्नलिस्ट न्यूज की पड़ताल में कुछ बेहद ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह प्रतापगढ़ के रहने वाले बताए जाते हैं और दोनों के बीच पुरानी जान पहचान भी है। द जर्नलिस्ट न्यूज को ऐसी भी तस्वीरें मिली हैं जिससे यह पुष्टि होती है कि वर्तिका सिंह प्रियंका गांधी वाड्रा के पुत्र रेहान को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देती हैं और प्रियंका गांधी और वर्तिका सिंह पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। जिस तरह राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हारे हैं और स्मृति ईरानी की जीत के पीछे उनके सहायक सचिव विजय गुप्ता की भूमिका रही है, यह पूरा आरोप राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वर्तिका सिंह के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पुत्र रेहान हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी या उनके निजी सचिव की तरफ से किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इस तरह के आरोपों को लेकर यूपी की सियासत फिर से गर्म हो गई है। आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा देख रही हैं और कई मौकों पर वह भाजपा पर हमलावर रही हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं और आने वाला चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं रहने वाला। अगर हमारा ये वीडियो आपका पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।